दोस्तों आज इस वीडियो में देखेंगे कि बंद पेंशन को हम किस तरीके से चालू कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है। किसी ने कमेंट किया था, बोला था कि किस तरीके से हम बंद पेंशन को है चालू कर सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में फुल प्रोसेस बताएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, एक आपके सामने पीपीयू है, इसके अंदर देख सकते हैं सेक्शन डेट, यहाँ पे देख सकते हैं 29/4/2022 29 अप्रैल 2022 को इसकी जो पेंशन है वो सेक्शन हो गई थी, लेकिन उसके बाद में ये रिसीव पेमेंट भी आप देख सकते हैं अप्रैल 2022 ही लास्ट है। तो इसका मतलब इस पेंशन के साथ हुआ क्या है, अब जो चल रहा है डेट वो करीब नवंबर चल रहा है। तो ये पेंशन स्टेटस यहाँ पे बता दूँ, स्टॉप भी नहीं हुई है, मतलब कोई रीजन भी नहीं है स्टॉप का। तो यहाँ पे अब देखिए करंट स्टेटस भी आप देख सकते हैं, रेगुलर पेंशनर है। तो अब देखिए इसको हम कैसे चालू करवा सकते हैं। दोस्तों यदि पेमेंट के अंदर जाए तो इस तरह का स्टेटस आपको दिखता है जब भी हम पेमेंट चेक करते हैं इनका, तो पेमेंट पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया गया है। ये पेमेंट पहले दिखा रहा था लेकिन अभी नहीं दिखा रहा है। सेम पीपीयू यहाँ पर देखते जो सेक्शन डेट थी 29 अप्रैल 2022 को, अब इसका जो पेमेंट था वो पहले बता रहा था, ऐसे तीन पेमेंट बता रहे थे, वो पेमेंट अब नहीं बता रहे। अब यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, पेमेंट को रिवर्स कर दिया है। यहाँ पर क्या हुआ था यहाँ पे बता दूँ, एक पर आपको बता दूँ, करीब जब 2022 के अंदर ही नवंबर के आसपास यहाँ पे पीसी से कुछ आदेश आए थे। उन आदेशों में ये था कि जिन्होंने भी यदि किसी जन आधार कार्ड के अंदर एडिटिंग से पेंशन के लिए अप्लाई किया है तो उनकी जो पेंशन है वो रोक ली जाए या स्टॉप कर दी जाए। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इनका स्टॉप तो नहीं किया, मतलब किसी भी तरीके से स्टॉप नहीं किया, और उसके बाद इन्होंने ये कह दिया कि इनका पेमेंट ही रोक लिया, पेमेंट ही यहाँ पर देख सकते कुछ इस तरीके से पेमेंट ही रिकवर कर लिया, पेमेंट अकाउंटों में से गायब हो गया। ऑनली यहाँ पर पेमेंट जब भी चेक करें तो बिल्कुल ब्लैंक ही बताता है, ठीक इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि पेंशन बंद हो गई है, हम जब भी सत्यापन करेंगे तो सत्यापन भी हो जाएगा, जैसे 2023 के अंदर इसका सत्यापन भी हो गया, लेकिन अब इसका जो है पेंशन अब भी नहीं आ रहा है। जो मैंने बता दिया यहाँ पे जब भी पेमेंट चेक करते हैं तो ऐसा आ रहा है, तो इसके लिए ये समाधान होगा, पंचायत के अंदर जाओगे तो भी आपको लगभग इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई भी यहाँ पर इसको चालू नहीं करवा सकता, क्योंकि यहाँ पे उनको ये शक था कि आपने कुछ फ्रॉड किया था, उनको ये शक था उस समय जब आपने एडिटिंग करके पेंशन के लिए अप्लाई किया था, या किसी भी तरीके से उनको लगा, कई पंचायत समितियों के अंदर, ग्राम पंचायतों के अंदर लगा आदेश थे, कड़े आदेश थे, कई जगह नहीं थे आदेश, यहाँ इनको पता नहीं था बंद करने का, तो कई जगह बंद नहीं हुई, लेकिन काफ़ी जगह ऐसा हुआ जहाँ पे जो शहरी एरिया क्लोज पड़ता था, यहाँ पर पंचायत समिति के अंदर किसी को पता था, तो वहाँ पे ये हुआ कि वहाँ पे इन्होंने स्टॉप कर दिया, वहाँ पे कड़े आदेश थे, वहाँ पे उनके कड़े आदेश थे, इस वजह से ये स्टॉप हुई। अब देखिए इसको हम चालू भी करवाने जाएंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाएंगे, ये देखिए वो पंचायत समिति के अंदर जो वहाँ पर काम करे उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस नज़रिए से आपको देखते हैं, पेंशन किस वजह से स्टॉप हुई, वो वजह भी लिखी हुई है पंचायत समिति के अंदर, जो आपकी उनकी डायरी होती है दैनिक डायरी, उसके अंदर लिखी हुई है इस वजह से हमने इनका पेमेंट रोका, इस वजह से हमने इनका पेमेंट रिवर्सल किया या रिकवर किया, वो सारी वजह वहाँ पे लिखी हुई होती है। तो वो वहाँ पे जाएंगे, आप डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो वो एक तरीके से आपको शक की नज़र से देखेंगे, और फिर हो सकता है ये कुछ अच्छे अधिकारी या बदल गए अधिकारी तो वहाँ पर हो सकता है कि आपकी वापस से शुरू कर दी जाए। इसके अंदर आपको आधार कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया, बैंक डायरी होगी आपकी, ये सारी की सारी, और पीपीयू ये रिसिप्ट नंबर हो गया, यहाँ फिर जो शुरुआत में जब ये डेट सेक्शन हुई थी उस समय आपको पीपीयू नंबर एक दिया था, ये क्रियोसक से हुई है इस वजह से यहाँ पे स्टॉप हुआ है। अब तो आपका वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, तो लगभग ये है कि इनका भी एक पर फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर क्या है इनकी पेंशन चालू हो जाएगी, वरना यहाँ पे ये करते अधिकारी आपकी ये पेंशन सेक्शन नहीं करते, यहाँ पर इसको वापस से पुनः चालू नहीं करते हैं, तो उसके लिए एक आसान सा उपाय ये है, उनको ये कर दीजिए कि हमारा ये कि जो है कैंसिल कर दीजिए, इसको हमें कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद में यहाँ पे मैं आपको उपाय बताता हूँ कि यदि आप कृषक हो तो आपको एक यहाँ पे कृषि पेंशन भी मिलती है, उसके लिए वहाँ पे अप्लाई कर देना है। जब आप ये पीपीयू कैंसिल हो जाएगा तो आप दूसरी पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
फिलहाल चुनाव है, चुनाव के बाद में रिजल्ट के बाद में ये जब भी नए मुख्यमंत्री बन जाएंगे उसके बाद में है ये स्टार्ट हो जाएगी, नए रजिस्ट्रेशन पेंशन के स्टार्ट हो जाएंगे। इसको क्या करना है, हमें कैंसिल करवा लेना है। आसान सा तरीका तो ये है, इनको कैंसिल करवा लेना है। कैंसिल करवाने के बाद में पुनः रजिस्ट्रेशन करना है, मैंने कह दिया कस्सी वाले के लिए। अब इसके लिए कर रहे हो तो इसके लिए 48,000 आपकी आय होनी चाहिए, जो जन आधार के अंदर 48,000 किसी की भी नहीं है, ज़्यादा ही है लगभग, तो उस वजह से स्टॉप हो सकती है। तो ये है कि आप जो कृषि वाले के अंदर कीजिए, उसके अंदर आय की कोई सीमा नहीं है। तो फिर क्या है कि वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद में नया रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो क्या है इसकी, यही समाधान है इसका, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि आपको किस सक के दायरे के अंदर इसको स्टॉप किया गया है। अब आपने किसी भी तरीके से आपके आधार कार्ड के अंदर तो प्रॉपर थी डेट ऑफ बर्थ, लेकिन आपके जन आधार कार्ड के अंदर आपने एडिटिंग करके की, वो उनको नहीं लगता कि आप सही है, उनको नहीं लगता। इस वजह से यहाँ पे जो पेमेंट स्टेटस हम देखते हैं, इस वजह से ये ब्लैंक नज़र आता है। अब यदि किसी वजह से पेमेंट है रिलीज़ नहीं होता है, रिलीज़ हो जाता है उसके बाद में क्रेडिट नहीं होता है, उसके लिए भी आप पंचायत समिति के अंदर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसी PPO के साथ तो उसको रिजेक्ट करा दीजिए, आप रिजेक्ट करा दीजिए, आपसे वापस नहीं लेगा पैसा, रिजेक्ट करा दीजिए, उसके बाद में हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।